छोटे आप इन्हें फिर भी सलूट मार रहे हो। अरे भाई ये देश के आर्मी के जवान हैं। वो क्या होते हैं? आर्मी के जवान हैं ये, हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसलिए आप इनकी इज्जत कर रहे हो? हाँ। फिर बाबा मैं भी आर्मी में जाऊंगा और देश की रक्षा करूंगा। ठीक है, अगर मैं आर्मी में चले गया तो आप मुझे भी सलूट मारोगे? हाँ, पर पहले बड़ा तो हो जा। ले तू दूध पी ले पहले। लो बाबा पी लिया। और बाबा ये देखो ये पिस्टल। बेटा आराम से देखे कहीं चल ना जावे। अरे बाबा ऐसे नहीं चलेगी ये, देखो ये इसका यहाँ पे ऐसे किया। अरे बेटे तू रहने दे बस। अरे बाबा तू डर मत, ये ऐसे नहीं चलेगी, इसमें गोली नहीं डाल रखी मैंने। बेटे दूर रो इन बंदूक को। बाबा गन और फौजी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जहाँ गन होगी वहाँ फौजी होगा, और जहाँ फौजी होगा वहाँ गन होगी। ठीक है अच्छा तूने बता घर कब तक आवेगा? बस बाबा 15 अगस्त के बाद छुट्टी मिल जाएगी, फिर तेरे पास तेरे हाथ के दाल चावल और बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है बाबा। देख भूख भी लग गई मेरे को। चल ठीक है तू जल्दी आ जा। ठीक है बाबा लव यू। और जवान। जैन सर। पूरा दिन बाबा से बात करता रहे, कोई बेबी नहीं है? मतलब सर? अरे मतलब कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? नहीं सर, यही मेरे बाबा है और यही मेरी बेबी है। क्यों? सर मेरा कोई नहीं है इनके सवा, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे तो बाबा ने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। अच्छा घर में कोई और नहीं है? नहीं सर कोई नहीं है। अच्छा तुम अकेले हो? नहीं सर मैं अकेला नहीं हूँ, फौजियों का तो पूरा देश होता है सर। हाँ बात तो सही है। वैसे तुमने इंडियन आर्मी ज्वाइन क्यों की? सर मेरा बचपन से ही सपना था कि बड़ा होकर देश की सेवा करूँगा। अच्छा तो तुम्हें तुम्हारे बाबा ने रोका नहीं? बाबा ने? बाबा देखो मेरा आर्मी का लेटर आ गया, परसों जाना है। नहीं जाना है। जाने दो ना बाबा। नहीं नहीं जाना है तो नहीं जाना है। बचपन का प्रॉमिस तोड़ रहे हो बाबा। वो तो मन झूठ बोल रहा तेरा दिल रखने के लिए। प्लीज बाबा जाने दो ना, आप नहीं चाहते मैं आर्मी में जाके देश की सेवा करूं। देख मैं चाहता हूं तू आर्मी में जाए, पर मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा और मैं तुझे खोना नहीं चाहता। चलो अच्छा मैं बॉर्डर पे नहीं जाऊंगा, मैं उन्हें बोल दूंगा कि मुझे कहीं ऐसी जगह मेरी ड्यूटी लगा दे जहां गोलियां मुझसे दूर रहे। अब तो हाँ कर दो। नहीं बाबा प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर झूठ बोला तो मैं मर जाऊंगा। एक बार बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। जाओ फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तन्ने सुबह से कुछ नहीं कहा, चल कुछ खा ले। मुझे भूख नहीं। अरे तू पुलिस में चला जाना है? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा एक ही सपना था आर्मी में जाने का, वो भी तुमने मेरे से छीन लिया। अगर मेरे माँ बाप आज जिंदा होते तो कभी मना नहीं करते। चल अच्छा तू खाना खा ले और चले जाना। पक्का? बिल्कुल पक्का, जब बोल दिया तो बोल दिया, बिल्कुल पक्का। थैंक यू बाबा, आर्मी में जाऊंगा। बाय बाबा, ध्यान रखना। तुम भी बेटा अपना ध्यान रखना। तो सर ये है मेरी तो कहानी। अच्छा तो तू भी अकेला और तेरे बाबा भी अकेले हैं, तो तू भी शादी वादी कर ले जवान, तुझे मिल जाए कोई महबूबा ध्यान रखने वाली। बस सर अब तो यही है मेरी महबूबा, अब कल क्या जाने क्या होगा। क्या 15 अगस्त के लिए बॉम्ब और हथियार तैयार है? इमरान साहब क्या अभी बदला लेना जरूरी है? कश्मीर में हमारे भाइयों पर सालों से जुल्म हो रहा है, वो वहाँ पे घुट घुट के जी रहे हैं हिंदुस्तान की वजह से। क्या आप भी तुम बदला लेना मुनासिब नहीं समझते अब्दुल? जी इमरान साहब। अब्दुल मेरे अब्बा जान हमेशा कहा करते थे, प्यार के बदले प्यार, नफरत के बदले नफरत, और तबाही के बदले तबाही होनी चाहिए। इमरान साहब क्या हमारे भाई काफी होंगे इंडियन फौज के लिए? सरहद के पास एक गांव है और वहाँ पे छोटी सी टुकड़ी है इंडियन आर्मी की, सबसे पहले बॉम्ब हम वहीं पे लगाएंगे। ठीक है जनाब हम तैयारी करते हैं। अब की बार 15 अगस्त पे जब इंडिया आजादी का जश्न मना रहा होगा तो उनका एक पूरा गांव आजाद हो चुका होगा इंशाल्लाह। मेरा लड़का आर्मी में है और 15 अगस्त के बाद आओगा, जब करेंगे भाई रिश्ते की बात, इससे पहले कुछ नहीं। ताऊ जी आप रिश्ता पक्का ही समझो। चलो फिर लड़के और लड़की की बात करवा दो, ये भी एक दूसरे को समझ जाएंगे। ठीक है जी जैसा आप कहो। बेटे मैंने तेरा रिश्ता पक्का करवा दिया, जैसे तेरी छुट्टी होगी तेरी शादी करवा दूंगा बस। अरे बाबा अभी क्यों कर दिया तुमने मेरा रिश्ता, अभी तो मैं बच्चा हूँ। अरे अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम्हें बच्चे करने हैं।
लाओ मेरी बात करो। हेलो, नमस्कार बाबा जी। नमस्कार सर। बाबा, जैसे एक फौजी देश संभालता है, ऐसे उसको घर भी संभालना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो सर। दिखाना सर। ठीक है बाबा, बाद में बात करूंगा, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अरे कर लेना बात, कौन सा तू कुछ कर रहा है? अरे सर, बाबा शादी की बात करते हैं, मुझे आती है शर्म फिर। ओहो, मेरी शर्मिली बहू। अरे सर, अब बस घर जाना है और बाबा को देखने का बहुत मन कर रहा है। मेरे बेटे के बिना घर खाली खाली सा लग रहा है। चल ठीक है, तू कर ले बात उनसे, जाके जा। इंशाल्लाह। जाओ मेरे बच्चों, और इंडिया वालों को दिखा दो कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। और इस मिशन के लिए अल्लाह को तुम्हें कुर्बानी देने पड़े तो पीछे मत हटना मेरे बच्चों। अल्लाह हू अकबर। जाओ मेरे बच्चों, जीत का मुकाम हासिल करते हो। इंशाल्लाह। इन काफिरों को इनकी औकात दिखाने का समय आ चुका है। अल्लाह अकबर। बाबा यहाँ पे सब ठीक है, आप चिंता मत करो। इधर जाओ। मुदस्सिर, तुम इधर की तलाशी लो। साला काफिर। ये बम इस पूरे गांव को तबाह कर देगा। तुम काफिर 15 अगस्त को खून के आंसू होंगे। बता इस बम को डिफ्यूज करने का पासवर्ड क्या है? इसमें कोई पासवर्ड नहीं है। 4 मिनट में ये बम फट जाएगा। ये तो खुद को बचा लेगा इस गांव को। पंद्रह अगस्त को ये गांव खून के आंसू नहीं, जश्न मनाएगा। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, सिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। गांव से तो बहुत दूर आ गया मैं। सिर्फ 6 सेकंड बची है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।
आज दुख की खबर बताते हैं, बॉर्डर पर शहीद हुए जवान। देख लो ताऊ जी क्या न्यूज आ रही। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को इंडिया सलूट करता है। अगर मैं आर्मी में चले गया तो आप मुझे सलूट मारोगे? हाँ। झूठ है ये बात कि मर्द कभी रोते नहीं, वो रोते हैं जब वो अपना खोते हैं। और सच है ये बात कि फौजी कभी मरते नहीं क्योंकि वो अमर होते हैं। इंडियन आर्मी और मेरे इंडिया को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।